चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नार्को टेस्ट को लेकर ब्रिजभूषण सिंह और पहलवानों के बीच आरपार की जंग चल रही है। तो वही भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह ने विनेश फोगाट की मंत्र बता दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना लगातार जारी है। पहलवान के नार्को वाले चैलेंज को ब्रजभूषण शरण सिंह ने स्वीकार किया, साथ ही उनको चुनौती भी दे डाली है। आरोपों के अखाड़े में अब सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट की तुलना मंत्रा और क्या कहीं से कर दी है। कहीं ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे विनेश फोगाट मेरे लिए मंत्रा बन कर गया। इतना ही नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा नए षड्यंत्र में शामिल हुए और एक तथा कथित नाबालिग लड़की को लेकर आए। भूपेंद्र हुड्डा नहीं, भूपेंद्र हुड्डा इस नए षड्यंत्र में शामिल हुए और एक तथा कथित नाबालिग लड़की को लेकर के आए। बताओ ब्रजभूषण को इतना हीरो क्यों बना रहे हो? नार्को टेस्ट की बात किसने की थी? किसने की थी? खिलाड़ियों ने की थी सबसे पहले, उसको क्यों इतना हीरो? वही वो कह रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। 2024 के चुनाव में भले ही एक साल का वक्त हो, लेकिन सियासी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लोकसभा चुनाव का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। पश्चिमी यूपी में अपनी खोई जमीन हासिल करने में जुटा रालोद निकाय चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। इसी क्रम में जयंत चौधरी हापुड़ पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने जयंत का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जयंत ने कार्यकर्ताओं को 2024 की तैयारियों में जुट जाने का मंत्र दिया। हालांकि 2024 के चुनाव में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, इस पर उन्होंने खुलकर कुछ ठोस नहीं कहा। लोकदल की जो जमीनी इकाई है, जो कार्यकर्ता हैं गांव में, मैं उनसे मिलूंगा, उनकी बात समझूंगा। मैं चाहता हूं कि वो मजबूत रहें, हमारी पार्टी भी यहां बढ़त हासिल करे। पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रालोद समरसता अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत पार्टी नेता जन जन तक पहुंच रहे हैं। रालोद के समरसता अभियान पर भाजपा ने तंज कसा है और दावा किया है कि 2024 के चुनाव में भाजपा को कोई ताकत हरा नहीं सकता। अब 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने 80 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को जिताने का मन बना लिया है। जाहिर है, निकाय चुनाव में पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन से रालोद का जोश हाई है, तो भाजपा 17 नगर निगम में क्लीन स्वीप जैसे महाविजय के लिए पहले से संकल्पित है। भले ही कर्नाटक की जंग खत्म हो गई हो, मगर बजरंग दल को बैन करने वाला बयान मुद्दा बनकर अभी भी राजनीति में छाया हुआ है। ताजा बयान जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने दिया। एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अरशद मदनी ने कहा है कि अगर कांग्रेस ने कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने का वादा पूरा नहीं किया तो आगे से कोई उन पर भरोसा नहीं करेगा। उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो दिया और उन्होंने कहा कि हम नफरत की सियासत कबूल नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जिस इशू के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है वो भी एक इशू ये भी है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मदनी ने यह भी कहा कि कर्नाटक में अल्पसंख्यकों ने कांग्रेस को 95% से 100% वोट दिया, जिसके बाद कांग्रेस को अपना चुनावी वादा पूरा करना चाहिए। इसके साथ ही अरशद मदनी ने भाजपा को उनकी पॉलिसी बदलने की सलाह भी दे डाली। बीजेपी को बदलना पड़ेगा। बीजेपी आए इलेक्शन के अंदर कहे कि हम तन्हा हिंदू के वोट को नहीं, हम हिंदू और मुसलमान दोनों के वोट को लेना चाहते हैं। क्यों नहीं जाएगा मुसलमान? मौलाना अरशद मदनी के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। मदनी के बयान पर पलटवार किया है अयोध्या के हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास ने। बजरंग दल को PFI से जोड़ देना, ये कहाँ तक न्याय उचित है? बजरंग दल का काम है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। तो जो सेवा देने वाला है उस पे बैन, जो सुरक्षा की बात करता है उस पे बैन, जो संस्कार की बात करता है उस पे बैन, ये कहाँ तक न्याय उचित है? एबीपी न्यूज से अरशद मदनी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए कि कांग्रेस की हुकूमत में देश में दंगे हुए और साफ कहा कि बेंगलोर, मुरादाबाद, मुंबई, मेरठ में दंगे हुए, इन सब की जिम्मेदार कांग्रेस है। और देश भर में 2000 के नोट बदलने शुरू हो गए हैं। कहीं बैंक में भीड़ नजर आ रही है तो कहीं लोग कम संख्या में नोट बदलवाने के लिए पहुंच रहे हैं। नोट बदलने के लिए बैंकों में एक अलग से काउंटर बनाया गया है। जिन लोगों के पास 2000 का नोट है वो बैंक पहुंचकर बिना किसी परेशानी के अपने नोट बदलवा रहे हैं। हालांकि वाराणसी में बैंकों में इतनी भीड़ देखने को नहीं मिली। 7 नोट लेके आई थी 2000 के, तो आज तो आई हूँ तो मुझे तो बहुत इजीली चेंज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई।
लेकिन अब आगे से शायद हो सकता है भीड़ हो जाए थोड़ा। लोग बहुत इजीली आ रहे हैं, उन्हें बहुत बेहतर सर्विसेज मतलब प्रोवाइड की जा रही है शाखा के द्वारा। कानपुर के बैंकों का भी हाल कुछ ऐसा ही रहा। एबीपी गंगा की टीम सिविल लाइंस में स्थित बैंक में पहुंची, तो यहां लाइन में कुछ ही लोग नजर आए। लोगों का कहना है कि नोट बदलवाने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही है, कहीं इशू नहीं हो रहा कोई दिक्कत की। लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही जैसी पिछली नोटबंदी के दौरान दिखाई गई थी। दिल्ली में भी बैंकों में व्यवस्था की गई है, हालांकि राजधानी दिल्ली के बैंकों में भी किसी भी तरह की पैनिक की स्थिति नजर नहीं आई, जैसे कि 2016 में हुई नोटबंदी के दौरान देखने को मिली थी। राहत की बात यह है कि 30 सितंबर तक आरबीआई ने नोट बदलवाने की तारीख तय की है। 2000 के नोट पर रोक लगने से नोट की खपत हो रही है, सर्राफा कारोबार में भारी बढ़ोतरी देखी गई, तो वहीं पेट्रोल पंप पर भी लोग 2000 का नोट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आरबीआई ने जैसे ही 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया है, तब से सर्राफा कारोबार बढ़ गया है। गोल्ड मार्केट के मामले में नंबर वन मेरठ में लोग 2000 के नोट से जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सर्राफा मार्केट में लोग सोना चांदी जमकर खरीद रहे हैं। अमूमन मेरठ में हर रोज 10 से 12 करोड़ रुपए कारोबार होता है, लेकिन पिछले 3 दिन से इसमें 30% की बढ़ोतरी हुई है। हमारे पास जो भी आदमी जहाँ तक हमारी नियमानुसार लिमिट है 2000 के नोट से कैश में व्यापार करने की, वहाँ तक हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। आपको हम ज्वेलरी भी दे रहे हैं, सोना भी दे रहे हैं, चांदी भी दे रहे हैं। एक तरफ तो सर्राफा कारोबार में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं कानपुर में पेट्रोल पंप मालिक परेशान हैं। यहाँ लोग 2000 के नोट को लेकर पेट्रोल और डीजल डलवाने के लिए आ रहे हैं। महज 50 या 100 रुपए का पेट्रोल डीजल भरवाया जा रहा है। पेट्रोल पंप मालिकों के सामने छुट्टे पैसों की दिक्कत खड़ी हो गई है। 50-50 रुपए में 2000 के नोट टूट रहा है। 50 रुपए का पेट्रोल भरवा रहे हैं, 2000 का नोट तोड़वा रहे हैं। मान लीजिए 200-250 रुपए का कोई टू व्हीलर अगर पेट्रोल फ्यूलिंग कराता है, तो हमारे को उसको चेंज वापसी करने में बहुत मुश्किल हो रही है। आप 1700-1800 रुपए अगर एक आदमी को चेंज दे देंगे तो थोड़ी देर में सारा चेंज खत्म हो जाता है। और आज हमारी स्थिति है कि हमारे पास चेंज इस समय बचा नहीं है। 19 मई को आरबीआई ने 2000 का नोट वापस लेने का फैसला लिया था, उसके बाद से ही लोग 2000 के नोट को खपाने में लगे हुए हैं। पेट्रोल पंप से लेकर सर्राफा बाजार में लोगों की खरीदारी के लिए भीड़ है। ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग विवाद पर वाराणसी कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। काशी ज्ञानवापी परिसर विवाद से जुड़े सभी मामलों को अब एक साथ सुना जाएगा। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद अब सभी मामले एक साथ एक ही कोर्ट में सुने जाएंगे। कोर्ट ने सभी 8 मुकदमों को एक साथ क्लब करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। ऑर्डर बहुत अच्छा है, यदि हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो हाई कोर्ट जाएं, वहां भी हम कंटेस्ट करेंगे, हम वहां भी ये करेंगे। आदि विशेषवर को जल्द से जल्द हम लोग मुक्त कराएं, ऐसा प्रयास हो, और न्यायालय के इस फैसले का हम जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं। जिन 8 याचिकाओं को एक ही कोर्ट में सुना जाएगा वो याचिकाएं हैं लक्ष्मी देवी बनाम आदि विश्वेश्वर की पूजा का अधिकार, लक्ष्मी देवी बनाम माँ गंगा की पूजा का अधिकार, लक्ष्मी देवी बनाम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की पूजा का अधिकार, लक्ष्मी देवी बनाम विश्वेश्वर की पूजा का अधिकार, लक्ष्मी देवी बनाम सत्यम त्रिपाठी परिसर में पूजा के अधिकार, लक्ष्मी देवी बनाम माँ श्रृंगार गौरी के ओज का अधिकार, लक्ष्मी देवी बनाम नंदी महाराज की पूजा का अधिकार, राखी सिंह वगैरह उत्तर प्रदेश सरकार ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर सुनवाई। हालांकि हिंदू पक्ष इन मुकदमों को एक साथ सुने जाने के फैसले के बाद दो धड़ों में बटा दिखाई दे रहा है। एक तरफ वादिनी महिलाओं के वकीलों का मानना है कि सभी मुकदमों का नेचर एक है, तो वहीं विश्व वैदिक सनातन संघ इस मुकदमे को लेकर शुरू से ही विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि जब मुकदमे अलग अलग हैं तो एक नेचर कैसे हो सकते हैं। पीएम मोदी इस वक्त विदेश के दौरे पर हैं। 2014 के बाद ये पहला मौका है जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया में हैं। पीएम मोदी जैसे ही भारतीय समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे, पूरा स्टेडियम मोदीमय हो गया। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ सिडनी के एरिना स्टेडियम में पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय मूल के 20,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने 2014 में किया हुआ अपना वादा लोगों को याद दिलाया। तो आपसे एक वादा किया था, वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पीएम जब भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान पीएम मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज भी मौजूद थे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों का 3C, 3D, 3E कनेक्शन समझाया। भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध
3D पर आधारित है, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पापुआ न्यू गिनी में हुए फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन की बैठक में शामिल हुए थे। इस दौरान रिपब्लिक ऑफ पलाऊ और फिजी ने उन्हें अपने देश का सर्वोच्च अवार्ड दिया था। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।